ओम शांति। हम जबकि स्वर्णिम भारत को, जिसको हम कहते हैं सत्युग की दुनिया, जब हम उसको याद करते हैं तो साथ साथ ये भी संकल्प आता कि कहाँ तक हमने अपनी तैयारी की है उस स्वर्णिम दुनिया के लिए। तो हम देखते हैं कि अभी तक कईयों के अंदर कुछ कुछ ऐसे कुछ आदतें हैं जिसको हमें त्यागना होगा स्वर्ग में जाने के लिए अथवा स्वर्णिम भारत की तैयारी के लिए। क्योंकि जितना जितना हरेक की तैयारी होगी, जितनी हमारी वृत्ति स्थिति बिल्कुल सत्व प्रधानता की ओर हम जा रहे होंगे, उतना ही जल्दी हम सबके सहयोग से परम पिता परमात्मा स्वर्ग की दुनिया की स्थापना कर ही लेंगे और शीघ्र ही वो स्वर्णिम दुनिया आएंगी अवश्य। तो मैं खुद को देखती हूँ और अपने अनुभव से मैं कह सकती कि एक विशेष संस्कार अथवा आदत बहुत करके कईयों में होती है और वो है अधैर्यता। वैसे तो आज के ज़माने में संसार धैर्यता को इतना महत्व नहीं देता, क्योंकि संसार है एवरीथिंग फास्ट। अपने संकल्प को भी फास्ट चलाते हैं, अपने वचन को भी, अपने कर्म को भी। तो स्पीड इज़ एवरीथिंग। स्पीड के लिए कहते हैं कि जितना आपकी कंप्यूटर की स्पीड है उतना उसका एक्सपेंस है, जितनी गाड़ी की स्पीड है उतना उसका महत्व रहता। तो हर बात में स्पीड को बहुत महत्व दिया जाता, परंतु जब खुद की बात आती है तो मैं कहेंगी कि ये जो हमारी आदत है अधैर्यवत स्थिति की, जिसमें हम बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, कई प्रकार के नुकसान उससे होते। तो यदि हम थोड़ा इस बात पर विचार करें कि हम अपनी स्थिति को कैसे हम धैर्यता से चला सकें, ताकि फिर हमारा कर्म व्यवहार अन्य आत्माओं के साथ भी धैर्यता की स्थिति के आधार से चलता रहे, तो उसमें मानो कि जिस तरह से हम रिएक्शन करते हैं वो भी अधैर्यता की बात आती। आपने कुछ बोला, मुझे पसंद नहीं आया और मैंने रिएक्ट किया और बाद में शायद पश्चाताप भी किया हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, परंतु क्या करें, वो हो गया एंड इट्स टू लेट। जिस तरह से एरो निकलता है बो से, तो एरो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। बेशक एरो को छूट दिया, फिर आप देख रहे हैं कि इट वॉजंट ऑन टारगेट, बिल्कुल अलग ही भावना से दूसरी किसी जगह की ओर चला गया, परंतु आप उसको पकड़ के वापस लेके आओ, नहीं हो पाता। तो हमारे मुख से भी जो भी शब्द उच्चारण होते हैं उनको वापस लौट के लेना संभव ही नहीं है। मशीन से कई बार आपने मैसेज भेजा हो और तुरंत ही आपको रियलाइज होता आप उसको डिलीट कर सकते, परंतु मुख के वचन से जो कुछ निकलता वो हम वापस लौटा नहीं सकते। तो इस हिसाब से मैं देखती हूँ कि उसका कारण क्या। उसका कारण है कि हम अपनी स्थिति को एक देह भान में रहकर और इस देह भान की स्थिति में अपने हम रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कहते हैं आदत से मजबूर। तो जो छाप लगी हुई है भिन्न भिन्न प्रकार के आदतों की, वो जो आदतें हैं हम अपने को उससे किनारा नहीं कर सकते। कारण, क्योंकि एक ऑटो पायलट चल रहा है। मानो कि ये अधैर्यता की स्थिति आज की नहीं है,
हम छोटे भी थे तो भी जल्दी रिएक्ट करते थे। आप अपने जीवन कहानी को झांक के देखो, सबका नहीं होगा परंतु मेजॉरिटी का होगा अवश्य। तो जब आप झांक के देखेंगे तो आप देखेंगे कि बचपन में भी छोटी बहन को कुछ अच्छी चीज़ मिली और आप उसे छीनने के लिए तैयार हो गए, या छोटे भाई को भी कहें कि उसको कुछ अच्छी चीज़ मिली, आप जल्दी में हाथ बढ़ाकर लेने की कोशिश करेंगे। परंतु माँ बाप के पास तो सिर्फ एक के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, परंतु उस घड़ी वो धीरज नहीं रहता। तो ये जो रिएक्टिविटी है, तुरंत कुछ देखा, तुरंत कुछ सुना, हमने रिएक्ट किया, और जो ये पैटर्न्स बने हुए हैं रिएक्टिविटी के, जिसमें धीरज की कमी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो ऐसे नहीं कि हम बड़े होते गए और समझदार होते गए। मे बी कईयों के लिए ये बात सही है, परंतु जनरली स्पीकिंग ऐसी बात नहीं है। जो भी आदत होती वो और ही हमें पकड़ के रखती। क्यों? क्योंकि पहले तो जितना हमें बॉडी कॉन्शियसनेस था, 8 वर्ष की आयु 10 वर्ष की आयु, जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस का जो आदत थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई। साथ ही साथ अधैर्य अवस्था की भी आदत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्योंकि ये रिएक्शन ऑटो पायलट। तो उसका परिवर्तन हम कैसे ला सकते? परिवर्तन तब होगा जबकि पहले तो हम रियलाइज करें, महसूस करें कि इस आदत को मुझे अभी त्यागना है, बिल्कुल छोड़ देना है। त्याग तो वैसे बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, परंतु कोई अच्छी आदत नहीं है उसको छोड़ना, उसमें वास्तव में कोई कठिनाई नहीं है। सिर्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी हो कि इस आदत से किस किस प्रकार से मेरा नुकसान रहा है। तो उस हिसाब से मैं ये सोचती हूँ कि जबकि हम जितना जितना आत्म स्मृति में रहते, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप ज्योति स्वरूप एक चमत्कार सितारा हूँ, यहाँ ब्रह्म जी के बीच में निवास करने वाली आत्मा हूँ, जितना जितना हम इस रियलिटी को समझ करके मान करके उस अनुसार हम अपने व्यवहार में आते हैं, तो उस अनुसार फिर थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू डू। थिंक बिफोर यू थिंक ये कैसे होगा? अभी मुझे मालूम है कि इसने कुछ कहा, मेरा रिएक्शन होने वाला है, अपने को तो हम जानते हैं। तो जिस घड़ी उसने कुछ कहा, मैं और अपने संकल्पों को नहीं चलने देंगी, और संकल्प को फिनिश करके उस आत्मा के लिए मैं गुड विशेस रखेंगी, शुभ भावना, प्योर गुड विशेस। तो जब ये हमारी आदत बनती जाएंगी अपने को आत्म स्मृति में रहने की, तो ये जो आदत हो गई थी अधैर्यवत स्थिति की, वो हमारी छूटती जाएंगी। देहभान है तो ऑटो पायलट, बस जो रिएक्शंस बने हुए हैं वो रिपीट होते रहेंगे। परंतु यदि हम अपनी आत्म स्मृति में रहते तो आत्म स्मृति के द्वारा अवश्य ही परिवर्तन होता, और हम एक नए प्रकार के संस्कारों का पैटर्न बनाएंगे। और वास्तव में वो भी कोई बिल्कुल नए नहीं है, जब पूर्व कल्प में पूर्व चक्कर में हम उस देवता घरानी की आत्माएं थे, और ज़रूर हम सब थे, तभी तो आप आज का कार्यक्रम ये देख रहे हो सुन रहे हो। तो जब हमें वो स्मृति आती तो उसके साथ साथ सतो प्रधान संस्कार की भी इमर्जेंस होती। परंतु चलो कल्प पहले की बात कुछ दूर की बात है, परंतु ये तो हम समझ सकते कि आत्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कार भी है, मध्य के भी है, और फिर
कुछ और भी है। तो हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल श्रेष्ठ ऊंचे संस्कार हो, आज उसका हम फिर से ओपनिंग करें, वो इमर्ज करें, ताकि फिर हमारे कार्य व्यवहार में वो ही आते रहे, ताकि फिर वो हमारा पैटर्न बिल्कुल नया छाप लगती जाएंगी। थैंक यू। ओम शांति। स्वराज्य से स्वर्णिम भारत।